विजयदशमी पर राजधानी दिल्ली में जगह जगह रावण दहन करके मनाया गया। इसी के तहत यमुना पार की जीटीवी इनकलब दिलसाद गार्डन हो रही श्री रामलीला समिति ने लीला के मंचन के साथ रावण दहन किया, जिसे देखने के लिए लीला मैदान में भारी संख्या में दर्शक पहुंचे। पुलिस सुरक्षा के साथ रावण दहन किया गया। इन तस्वीरों में देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है। इस अवसर पर रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारी रामला कमेटी ने इस बार कार्य किया है वो सबसे हटके किया है, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जितने सीन हमारे चल रहे थे वो बिल्कुल वही चल रहे थे जो राम के राज में हुए थे। यह उस समय की घटना जो घटित हुई थी वही चल रहे थे, क्योंकि आपने देखा था कि पहली बार रामला कमेटी का स्क्रीन लगी हुई थी, स्क्रीन पर वही सीन आ रहे थे। और इस बार हमारी जो अपनी कमेटी थी उसने बहुत बढ़ चढ़कर अलग से कार्य किए हैं। पहले तो सभी देशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामना देता हूं और साथ में हमारी अपनी पूरी रामलीला कमेटी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत 10 दिन इतनी मेहनत की है और जी जान से लगे रहे। और रावण जो अपने यार हमने तीनों रावण बनाए थे बिल्कुल ग्रीन पटाखों से सुसज्जित किए थे ताकि किसी को भी नुकसान ना पहुँचे। देखो आज नहीं हमेशा ही रामलीला अच्छा प्रदर्शन करती है, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, लेकिन हमने जो रामलीला का दिखाने की कोशिश की है वो जैसे पहले रामलीला होती थी उसी तरीके से किया है। हर सीन का हमने वही सीन बनाने की कोशिश की है जो पहले हो सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो हम लोग ये 10 दिन की रामलीला करते हैं और जो लोग अपने घर से यहाँ रामलीला का मंचन देखने आते हैं जितने भी दर्शक, उनसे मेरी यही एक आशा है कि यहाँ से कुछ ना कुछ सीख लेके जाएंगे। बुराई पे अच्छाई की जीत का जो आज उन्होंने यहाँ मंचन देखा है उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और आगे को लोगों को ये भावना बताएंगे। मैंने अपना किरदार अपने ही तरफ से पूरा अच्छे से तैयार करा था और मैं पिछले 3 साल से सीता माता का करेक्टर करती आ रही हूँ और मैंने कई सारी नई चीज़ें भी सीखी, कई सारे नए एक्ट भी सीखे इसमें। पहले सभी को मेरा दिल्ली वासियों को प्रभु श्री राम भाई का हमेशा, बड़े भाई का हमेशा साया रहता है और बड़े भाई की हमेशा छोटे भाई को बात हमेशा माननी चाहिए और मैं तो हमेशा उनके हर साये की तरह उनके साथ रहना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ ये सदियों से परंपरा चली आ रही है कि बुराई पे सच्चाई जीत हमेशा होती है और होनी भी चाहिए। ये हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पर्व है जिसको हम बड़ी बड़ी खुशी से बड़े उल्लास से मनाते हैं और पूरे देश विदेशों में पूरी धरती पर इसको मनाया जाता है और हम इस किरदार में रावण का रोल की भूमिका में निभा रहा था और अभी प्रभु श्री राम की कृपा से रोल अच्छा हुआ। यहीं इस दौर में यमुना पार में बड़े स्तर पर आयोजित श्री आजाद रामलीला कला केंद्र द्वारा भव्य रूप से रावण दहन कार्यक्रम किया गया। लीला उपाध्यक्ष वीरेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि लीला के मंचन से हमें भगवान राम के आदर्शों को जीवन में उतारने और उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिलती है। सीके जी परिवार की ओर से सभी श्री आजाद रामलीला कला केंद्र के सभी दर्शकों एवं कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और ये जो 10 दिन का पावन पर्व था आज समाप्ति पर है। कल माता की चौकी के साथ भंडारे के साथ समापन होगा। सभी कार्यकर्ताओं ने सभी कलाकारों ने बड़े उत्साह के साथ कार्य किया और जैसे कि अभी हमारे महासचिव जी ने बताया कि पहली बार हमने एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से अब यहाँ पर मंचन किया। मैं सभी देशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह बुराई पर अच्छाई के प्रतीक पर्व दशहरे पर आज श्री आजाद रामलीला कला केंद्र बावरपुर द्वारा यहां पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया और ये पूरे जो मंच का रामलीला का मंचन था वो संपूर्ण हुआ है आज और कल लास्ट भरत मिलाप होगा। श्री आजाद रामलीला कमेटी की तरफ से यहाँ पे कुछ 10 कैमरों की व्यवस्था करी हुई थी और दिल्ली पुलिस के हमारे थाना वेलकम के SHO साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ पे सुरक्षा में पूरी निगरानी रखी हुई थी, हमको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो उन्होंने हमारे लिए सब तरह की व्यवस्था कर रखी थी। नहीं, दिल्ली पुलिस का तो एक हमारे इंसिडेंट भी हुआ था 1.5 महीने पहले, हमारी सीता जी का जो पात्र करती है उनका मोबाइल चोरी हो गया था, उन्होंने हमने कंप्लेंट करी तो वो मोबाइल भी हमको मिल गया। तो मैं तो कहूँगा कि दिल्ली पुलिस का एक बहुत ही सराहनीय योगदान, सराहनीय प्रयास और हमारे थाना अध्यक्ष यशवीर त्यागी जी और उनकी टीम को बधाई और थाना मंडावली के SHO प्रशांत कुमार नेमा जी को भी बधाई। मैं कुमार विजय सिंह
श्री आज़ाद रामलीला कला केंद्र का जन्नत फैक्ट्री होने के नाते आज जो भी ये रावण दहन हुआ है, बुराई पे विजय की जीत हुई है और आने वाले टाइम में इससे भी अच्छी भव्य रामलीला दिखाएंगे हम। जो 30x12 की LED पे हमने अब की पहली बार यहाँ पर डिजिटल कैमरे पे हमने वो दिखाई है। देखिए, तैयारियां तो हमारी 2 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं, कॉस्ट्यूम को लेके, ज्वेलरी को लेके, उनके डायलॉग्स को लेके। हम हर बार कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं और इस बार भी हमने रामलीला के थ्रू काफ़ी संदेश दिए हैं। जैसे आपने देखा होगा, प्लास्टिक वगैरह का जो अवॉइड करना है उसके लिए। और दूसरी बात यह है कि हमने एक संदेश, जो मेन संदेश दिया है वो ये दिया है कि जब प्रभु राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, केवट से नैया पार लगवाई, जो आज धर्म की राजनीति हो रही है, उस धर्म से हम ऊपर उठें और अपने देश को संभालें। देखिए, आज़ाद रामलीला कला केंद्र जो है वर्षों से, लंबे समय से ये यहाँ पर रामलीला का मंचन करता है और मैं तो यहाँ की कहानियाँ सुनता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बड़ी मेहनत किया। मिट्टी हुआ करता था यहाँ पे, लोग बताते हैं कि मतलब यहाँ बारिश होने के बाद बड़ी मेहनत से इसको साफ़ सुथरा करना पड़ा, सुखाना पड़ता था। आज ये रामलीला कला केंद्र के लिए हम लोगों से जो बन पड़ता है उसके लिए कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ रामलीला लंबे समय से हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से होता है। देखो, तैयारी तो हमारी 1.5 महीने से शुरू हो जाती है पहले से ही, लेकिन इस दिन की तैयारी के लिए, इन 9 दिनों की तैयारी के लिए हम लोग अपने दिल से और अपने मेहनत से, मतलब अपने किरदार को हम अच्छे से निभा पाएँ उसके लिए हम मतलब ऐसा होता है कि जैसे हनुमान जी का रोल है, इनको इतना बेस्ट दिखाना था, उन्होंने 9 दिन का पूरा व्रत रखा था। हर दिन हनुमान जी के लिए 40 पढ़ते थे। जैसे मैं था तो राम जी का कैरेक्टर ऐसा था, एकदम सरल स्वभाव वाले, तो मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था ताकि मेरा स्वभाव जो है थोड़ा सरल दिखे। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। रियल लाइफ में मैं जीन्स वगैरह वेयर करती हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सूट एंड कुर्तीज़ वगैरह वेयर करती हूँ। एक्चुअली सच कहूँ तो आजकल डिजिटल इंडिया है तो गर्ल्स भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीता के किरदार में एकदम हम नॉर्मल रहते हैं, कुछ भी ऐसा बिहेव नहीं करते कि लाइक किसी को टच नहीं करना। लाइक हमारा जब मेकअप हो जाता है प्रॉपर तो हम किसी को टच भी नहीं करते हैं, अपना दूर रहते हैं, अपना नॉर्मली अपने बस किरदार में ही रहते हैं। बहुत अच्छी फीलिंग आती है स्टेज पे काम कर रहा हूँ, लक्ष्मण का भी काम कर रहा हूँ, अपने अंदर ही एक धार्मिक भावना आती है। बल्कि ये तो रियल लाइफ में भी सभी लोगों को अपने भाई के लिए, अपने बड़ों के लिए एक भाव रहना चाहिए। अगर उनके उन्होंने अगर आपको कुछ आदेश दिया है तो उसको निभाना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में हम नहीं निभाते हैं, जब हम स्टेज पर आते हैं, किरदार निभाते हैं, तो ये चीज़ और गहराई तक हमारे अंदर जाती है। और दूसरी बात, बस राम का नाम लिया और नैया पार लग गई। मेरा एक्चुअली 3 घंटे का डेली का मेकअप होता है और डायरेक्टर साहब ने खूब मेहनत करी हमारे ऊपर, तो नैया पार लग गई बस। ऐ सत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयदशमी पर रावण दहन के साथ रामलीला मंचन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी भी दी गई, साथ ही प्लास्टिक मुक्त भारत के प्रति दर्शकों को जागरूक किया गया। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।